नमस्कार दोस्तों, 14 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में स्वागत है आपका। उससे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो एडिटोरियल डिस्कशन या फिर कोई भी करंट संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए यूपीएससी मैनेजर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो इससे पहले हम चलेंगे कल के प्रश्नों की तरफ। कल के हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें केंद्रीय इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री या कोई प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये जीएसटी करों में बदलाव में निर्णय के लिए जिम्मेदार होता है, भी सही, यानी उपयुक्त सभी सी ऑप्शन सही जाता है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, ये क्रेटर लेक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या शामिल नहीं होता है? सोना शामिल होता है, विदेशी मुद्रा शामिल होता है, एसडीआर शामिल होता है, रुपया नहीं शामिल होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा यहाँ पर। ये थी हमारे कल के प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, नेपाल पासिस अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप। तो जैसे कि जान रहे होंगे हम, नेपाल ने जब भारत नेपाल सीमा विवाद हुआ था जो काला पानी को लेकर, जब भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद जब भारत ने नया मानचित्र जारी किया था, तो उसमें काला पानी को भारत का जब अपने मानचित्र में क्षेत्र दिखाया था, तो उसमें नेपाल ने आपत्ति जताई थी। तब से ये गतिरोध चल रहा है। और अभी नेपाल ने क्या किया है, इस काला पानी क्षेत्र को, जैसे मानचित्र में आप देख रहे होंगे, इसमें काला पानी, लिम्पिया धुरा, लिपू लेक, ये सारे क्षेत्र नेपाल के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको सारे उसको नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। और इस मानचित्र को संवैधानिक दर्जा भी देने जा रहा है, बल्कि उसने पास भी कर दिया, जो वहाँ का लोअर हाउस पार्लियामेंट उसने पास भी कर दिया है। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। अगली न्यूज, इंडियन फ्रीड बाई नेपाल पुलिस। तो बिहार की सीमा पर जो भारतीय किसान कुछ पकड़े गए थे, एक किसान की मृत्यु भी हो गई थी नेपाली सैनिकों की गोलीबारी में, तो उन्होंने एक जो है एक किसान को पकड़ भी लिया था, तो उनको अभी मुक्त कर दिया गया, ये बात बताई जा रही है। तो भारत नेपाल सीमा पर भी तनाव चल रहे हैं, ये चीज़ जानने की आवश्यकता है। चाइना बॉर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सेज आर्मी चीफ। तो जो हमारे जो आर्मी चीफ हैं कौन है सबसे पहले, तो ये प्रश्न बन जाता है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एमएम नरवणे। तो ये बता रहे हैं जो चाइना पर चाइना बॉर्डर पर स्थिति है, वो अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, और ये आर्मी के विभिन्न लीडर्स के स्तर पर वार्तालाप चल रहा है, और डी एस्केलेशन भी हुआ, यानी कि जो सेना डिप्लॉयमेंट था वो भी दोनों तरफ से कम किया जा रहा है, और स्थितियाँ सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। अगली न्यूज में दिखाई जा रही है कि कैसे जो है लॉकडाउन की वजह से वर्चुअल गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्लासेस, जैसे इसमें दिखा रहे हैं एक टीचर अपने बच्चों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही है ताकि उसको अवेलेबल करा सके, ये चीज़ें बताई जा रही है। टू मिलिटेंट्स किल्ड इन गन फाइट विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन कुलगाम। तो कुलगाम क्षेत्र में दो मिलिटेंट्स मारे गए, दो आतंकवादी मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, ये चीज़ बताई जा रही है। तो मतलब इस लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर भी जो है हिंसा चल रही है, और मिलिटेंट्स के द्वारा काफ़ी जो है गतिविधियाँ की जा रही है। टू इंक्रीज टेस्टिंग आस्क ICMR टू चेंज गाइडलाइंस आप मिनिस्टर। तो आपके एक मंत्री ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए ICMR से बोलिए कि वो गाइडलाइंस अपनी चेंज करें। तो ये क्यों प्रश्न में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिल्ली सरकार से पूछा था कि भाई आपकी टेस्टिंग कम कैसे हो गई, यानी कि उसके पहले लगभग 7,000 पर डे टेस्ट होते थे, और फिर देखा गया तो परसों जो है 5,000 टेस्ट ही हुए थे। तो पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया था कि भाई क्यों टेस्ट कम हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ICMR की गाइडलाइन ही ऐसी है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो उनको ना टेस्ट किया जाए, तो उनकी गाइडलाइंस के आधार पर करने पर टेस्ट की संख्या कम हो रही है। तो या तो फिर बोलिए कि ICMR अपनी गाइडलाइन चेंज करे, तो उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही हम टेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। और ये था अगली न्यूज़ है आपकी, ये लोकल न्यूज़ है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये देखिए चित्र में आप देख रहे होंगे, इसमें जो है संत ध्यानेश्वर या इनको ज्ञानेश्वर बोला जाता है, इनकी चरण पादुका के ले जाया जा रहा है। तो एक वर्कारी समुदाय है, ये जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है, ये आपका लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। इसके जो है जन्मदाता हैं संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है, तो ये इसके जन्मदाता हैं। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हीं के उनको वर्कारी जो है वो इनके इन्होंने वर्कारी समुदाय की स्थापना की थी, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो वर्कारी धर्म को मानते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक गॉड विठोबा, लॉर्ड विठोबा की पूजा करते हैं, विठल देव या विठोबा इनको बोलते हैं, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इससे अन्य जो संबंधित संत हैं जैसे आपके तुकाराम हो गए, नामदेव हो गए, ये सभी वर्कारी समुदाय से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ हमने जाना वर्कारी समुदाय के बारे में। तो यहाँ पर एक जो है प्रावधान होता है, यहाँ पर एक व्यवस्था होती है कि मानसून के समय के दौरान इनकी चरण पादिकाएं विभिन्न स्थान से इनके जन्म स्थान की तरफ ले जाया जाता है। तो ये चीज़ बताई गई यहाँ पे, पंढरपुर जहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ, तो पंढरपुर को ले जाते हैं इनकी चरण पादुका। तो ये जो है अभी कोविड की वजह से इसको इस पर रोक लगाई गई थी कि नहीं हो सकती, लेकिन अभी क्या गया है,
प्रावधान किया गया है, भीड़ के साथ सामान्यतः तो लाखों की संख्या में लोग पैदल जाकर ले जाते हैं, लेकिन अभी उसको रोका गया है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए और एयर मतलब कि वायुयान के माध्यम से या फिर रोड के माध्यम से कम लोगों को लेके जाए, ये चीज़ प्रावधान किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वर्कारी समुदाय कौन है, इसकी स्थापना कौन करता है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, और उसके बाद ये इसमें जो ये आपका चरण पादुका ले जाने का प्रावधान है ये क्या है, ये चीज़ हमने जाना है यहाँ पर। अगली न्यूज़ है कि इंटरव्यू छपा हुआ है वी राम गोपाल राव का, तो इसमें बताया गया है कि जो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है जिसमें भारत के कोई भी संस्थान टॉप 150 में नहीं है, तो इसके कारण क्या हैं। तो क्यों बताया जा रहा है इसमें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जिसमें बताया गया है कि जैसे सबसे टॉप पे आपका IIT बॉम्बे है जो 171वें स्थान पर है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है क्यों ऐसे हुआ है। तो इसमें कई चीज़ बताई जा रही हैं कि जैसे पैरामीटर्स का अंतर है, जिन मानकों पर जो है इनकी रैंकिंग होती है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बायस्ड होते हैं, जैसे कई चीज़ें हैं उसमें, देखिए फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो की बात होती है, तो वो लोग उन जो है रिसर्च स्कॉलर्स को भी टीचर के रेशियो में जोड़ लेते हैं, जबकि हमारे रिसर्च स्कॉलर जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स की कैटेगरी में नहीं जोड़ा जाता है। अगर हम रिसर्च स्कॉलर्स को टीचर्स की कैटेगरी में जोड़ लें तो हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से भी जो है हमारे यहाँ का टीचर स्टूडेंट रेशियो कम दिखता है, और उसके बाद ये होता है। और देखिए क्या होता है, बता रहे हैं कि कुछ भी हो कंट्री की इमेज के साथ भी उसके संस्थानों की इमेज जुड़ी होती है, जैसे कि आप जान रहे होंगे जो पश्चिमी देश हैं उनकी इमेज मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं और हिस्टोरिकल थोड़ा सा वो रहे हैं, जैसे कि वो कॉलोनियल मास्टर्स भी रहे हैं, तो इसलिए जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं या USA है उनकी इमेज इतनी ठीक ठाक है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग वैसे ही उसका प्रभाव पड़ता है। जबकि इंडिया को देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है, तो हमारे जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी जो है थोड़ा सा नर्म नज़रिए से देखा जाता है, ये चीज़ बताई जा रही है। और बताया जा रहा है अगर जो है मानकों को भारत के अनुसार किया जाए, जैसे आप इसमें देख लेंगे वो कि अगर जो है पैरामीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इसमें इंक्लूड किया जाए, यानी कि कितनी शिक्षा की कितनी व्यय कितना है, तो उसके आधार पर भी देखेंगे तो भारतीय यूनिवर्सिटियाँ जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी जो है आगे रहेंगी, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जो USA की कोई एक यूनिवर्सिटी होगी उसमें पढ़ने का कॉस्ट कितना होगा, डॉलर्स में कई गुना ज़्यादा होगा, जबकि हमारे यहाँ शिक्षा काफ़ी अफोर्डेबल है, IITs में भी गरीब घरों के लड़के पढ़ लेते हैं, तो अगर इन मानकों पर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे चली जाएंगी, लेकिन देखा गया है वहाँ पे कि जो मानक हैं वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बायस्ड हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। और बता रहे हैं कि जैसे इसमें फिर इनसे प्रश्न पूछा गया कि अभी सरकार और ध्यान दे रही, पिछले 2 वर्ष से इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम भी चलाई, उसके बावजूद भी डाउनग्रेड हो रहा है, क्यों रैंकिंग क्यों कम हो रही है, तो बता रहे हैं कि देखिए रिसर्च जो है हमारा खर्च सामान्यतः पहले 100 करोड़ होता था जो है, लेकिन अभी जो है 100 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़, यानी 5 गुना रिसर्च में ज़्यादा खर्च होने लगा है, और जो हम पेपर्स पब्लिश करते हैं वो भी हर साल लगभग 20% गति से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ भी देखेंगे मतलब इतना प्रगति हुई पिछले 5 सालों में, उसके बावजूद पिछले 5 सालों में रैंकिंग में कोई प्रगति नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि इन चीज़ों को जो इंटरनेशनल रैंकिंग वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो मतलब ये उनके मानकों में थोड़ा सा कमी है ज़रूर। और उसके बाद बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन का भी बात है, जैसे भारत चाहे जितना अच्छा शिक्षा या गुणवत्ता की शिक्षा दे देगा लेकिन लोग भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री या कॉलोनी माने हैं या नहीं मानते हैं कि इतना टैलेंट होगा, उसको स्वीकार करने में उनको असहजता महसूस होती है, इमेज कंट्री की शिक्षा के लेवल पर उस स्तर की नहीं है जैसे कि वेस्टर्न कंट्री, जैसे ऑक्सफोर्ड में चाहे जितनी जैसे जैसे पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ की इमेज इतनी बेटर है कि हर कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहता है, तो ये इमेज की बात बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि अब इमेज कैसे सुधारा जाएगा इससे, तो जैसे एक कैंपेन लॉन्च किया गया था टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया, यानी भारत के गौरवशाली परंपरा को जो है विश्व भर में दिखाया गया था, तो उसी टाइप का कैंपेन लॉन्च करें, CNN BBC जो भी आपके ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स हैं इन पे एडवर्टीजमेंट दें, तो इससे इमेज ठीक होगी, ये चीज़ बताया जा रहे हैं। और फिर जो हमारा देश नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जारी करता है उसके संबंध में बात की जा रही है कि कह रहे हैं कि NIRF जो है इन ग्लोबल सर्वे जैसे QS से या फिर THE से इनसे कोऑर्डिनेशन करके अपने पैरामीटर्स को और सुधार करके बच्चे से दिखा सकता है, तो ये चीज़ बताई जा रही है इसमें इंटरव्यू के दौरान। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, NGT गिव्स केरला 1 मंथ टू रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन स्टेप्स, तो जो जंगल में आगे लगती हैं तो उस पर केरला गवर्नमेंट को जो है NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 1 महीने का समय दिया है कि अपने क्या क्या प्रावधान किए हैं, जैसे कि गर्मी आ गई है, अब गर्मी में आग भी लगती है जंगल में, और जो केरला है वो वेस्टर्न घाट्स के रीजन में आता है, वहाँ पर काफ़ी आग लगती है, तो उसके लिए पहले से आपने क्या प्रावधान किया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसके संबंधित जो है
प्रिवेंशन स्टेप्स को मांग की है, 1 महीने में आप रिपोर्ट जाहिर कीजिए। एनजीटी क्या है? एनजीटी एक विधिक निकाय है जो एनजीटी एक 2010 के तहत बना था। इसका कार्य क्या होता है? ये पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। लेकिन अपवाद क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके अंतर्गत आने वाले मामलों को एनजीटी सुनवाई नहीं कर सकती है। वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस ए के गोयल, ये चीज़ हमने जाना। अब हम देखेंगे अगली महत्वपूर्ण न्यूज़। तो ये अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, रिटर्निंग लेबरर्स में भी डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स शहर से वापस घर की तरफ लौटे हैं, तो अभी देखिए उनको एमजी नरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है और उनको रोजगार की समस्या सबसे प्राथमिक हो चुकी है इस समय, तो उनको कहाँ और किया जा सकता है? तो सरकार एमजी नरेगा के अलावा और भी माध्यमों को चुनाव कर रही है, कहाँ उनको रोजगार दिया जा सकता है? तो देखिए जल जीवन मिशन एक चलाया गया था पिछले ही वर्ष, तो उसके अंतर्गत ही जल शक्ति मिनिस्ट्री के जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया था, जिसमें लक्ष्य ये रखा गया कि 2024 तक हर घर में पाइप युक्त जल मतलब उपलब्ध हो सके। तो इसके तहत ही बताया जा रहा है कि जो लोग वापस आए हैं इनको जो है मनरेगा के तहत जो बजट है उसी का यूज करते हुए जल जीवन मिशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, उनको इसमें रोजगार भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा जल जीवन मिशन का अपना अलग भी बजट है, यानी जो मनरेगा में वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उनको यूज करके जल जीवन मिशन को जो है लॉन्च फुल इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ बताना हमने जल जीवन मिशन के बारे में, और जो रोजगार समस्या की समस्या है प्रवासियों को कैसे मैनेज किया जाए। इंडिया में हैव अंडर काउंटेड केसेस, तो एक सीरो सर्वे हुआ, ICMR द्वारा एक सीरो सर्वे कराया गया, सीरोलॉजिकल सर्वे। तो सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है ये सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे। तो ये एक सर्वे है ICMR ने कराया है, जिसमें जो भी पर्संस हैं उनके ब्लड सैंपल्स ले जाते हैं और ब्लड सैंपल से सीरम निकाला जाता है। सीरम क्या होता है? जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का वो सीरम होता है। तो जो इस सीरम को निकाला जाता है उनको टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडीज़ के लिए। अगर उसमें कोई एंटीबॉडी पाई गई है हाल में, मतलब पाई गई है, तो इसका मतलब ये हो हाल में वो इन्फेक्टेड हुए थे। तो इससे पता चलता है एक पैटर्न, एक सर्वे हो पाता है कि कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है कोरोना वायरस ने, सार्स कोविड-19 ने, ये चीज़ हमने जाना। तो इसमें पाया क्या गया, रिजल्ट क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें बताया गया ये लगभग 69 जिलों में किया गया था भारत के, और लगभग पाया गया कि 24,000 ब्लड सैंपल्स एंटीबॉडी दिखा रहे थे, यानी कि हाल ही में वो इन्फेक्शन को कोई ना कोई हुआ था। तो इससे ही बताया जा रहा है कि जो मई में केसेस दिखा रहे थे, तो चूंकि टेस्टिंग इतनी कम हुई थी तो बहुत सारे केसेस पता ही नहीं चल रहे थे, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो वास्तविक केसेस थे और जो केसेस हमको मई के लास्ट तक लगभग पता चल रहे थे शुरुआत में मई के, वो लगभग वास्तविकता से 20 गुना कम थे। यानी कि जो जैसे अगर एक केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे थे तो 20 केसेस लगभग थे, तो यानी कि क्योंकि उतने मास स्केल पे टेस्टिंग हो नहीं पा रही थी। तो ये जो है ICMR के सीरोलॉजिकल सर्वे ने बताया है। सेंटर फॉर अर्ली यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो सेंटर ने कहा है कि जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का शीघ्र से शीघ्र उपयोग किया जाए, यानी कि स्टार्टिंग में ही उपयोग करने किया जाए ताकि रिकवरी रेट अच्छी हो सके, ये चीज़ बताई जा रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है? ये एक दवा है जो आपका प्रोफाइलैक्सिस का कार्य करती है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि जो है आपका जो कोरोना वायरस से एक मतलब तात्कालिक समस्या को निजात कराती है, छोटी मोटी समस्याओं की, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। और कौन सी दवाएं जो चर्चा में रहीं उसको हम देख लेंगे, रेमडेसिविर है, फ्लैपिनाविर है। ये सारी दवाएं अगर पूछा जाता है इन सब ये सब किससे संबंधित है, तो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता। ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं UPSC में। महाराष्ट्र कट्स टेस्ट रेट्स एट प्राइवेट लैब्स, तो महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट लैब्स पे टेस्टिंग का जो रेट है वो घटा के अब 2,800 कर दिया है, पहले 4,500 रुपये था, ये चीज़ बताई जाए जिससे टेस्टिंग बढ़ाई जा सकेगी। अगली न्यूज़ है COVID-19 टेकिंग ऑन इमोशनल टोल ऑन चिल्ड्रन, तो COVID-19 से बताया जा रहा है कि जितना स्वास्थ्य प्रभाव कर रहा है, जितना स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है उससे भी ज़्यादा कहीं मानसिक स्थिति प्रभावित कर रहा है जो है, खास करके बच्चों की, क्योंकि बच्चों को डर है कि अगर उनके पेरेंट्स को कोविड हो जाता है, अगर अपने पेरेंट्स को खो देंगे तो उनका भविष्य कैसे होगा, तो ये चीज़ उनके मन में डर है। और उसके बाद 3-4 महीने से लॉकडाउन भी चल रहा है, तो वो सीमित संसाधन उसके उपलब्ध हैं, वो दुनिया के और रंग नहीं देख पा रहे हैं, और उनको लगातार न्यूज़ मिल रही हर तरफ से COVID-19 से, एक मानसिक तनाव जैसा उत्पन्न हो जा रहा है। और सबसे बड़ा तनाव तो ये है कि उनको डर है कि अगर उनके पेरेंट्स प्रभावित हुए तो उनका संरक्षण या उनका पालन पोषण कैसे होगा, तो उनको अपने भविष्य का ही डर है। तो ये एक इमोशनल जो है दबाव है बच्चों पे, ये बात बताई जा रही है इसमें। अब इंटरनेशनल न्यूज़ से देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलियन सिटीज सी बिग इक्वलिटी प्रोटेस्ट, तो जैसे कि देखिए आप जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन थे जहाँ जिनकी अमेरिका में हत्या कर दी गई थी मिनियापोलिस पुलिस के द्वारा, तो उसके बाद से ही ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाया जा रहा था जो वेस्टर्न कंट्रीज में यानी यूरोप में भी फैला, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी वो देखा जा रहा है, इसमें ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, यानी कि जो रंगभेद के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो ये चीज़ बताई जा रही है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर किससे
रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रंग भेद के खिलाफ यानी जो अफ्रीकियों के साथ या फिर मतलब काले लोगों के साथ गोरे लोग करते हैं, ये ब्लैक लाइव्स मैटर चीज़ ये मोमेंट है इसे। अगली न्यूज, बीजिंग डिस्ट्रिक्ट गोज ऑन हाई अलर्ट आफ्टर इन्फेक्शंस इमर्ज। तो चाइना, जैसे कि आप जानते होंगे, अपने आप को बता चुका था कि हम COVID-19 को कंटेन कर लिए हैं और हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नए केसेज नहीं आ रहे हैं। तो उसके पश्चात अभी बीजिंग में नए केसेज की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई है, तो ये कंसर्न की बात है। तो अभी जो है हाई अलर्ट पर बीजिंग घोषित कर दिया गया, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज, स्टॉप डीन्यूक्लियराइजेशन टास्क नॉर्थ कोरिया वन साउथ। तो नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि जो आप जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, इसकी बात बंद कर दो। क्योंकि देखिए, जो उत्तरी कोरिया है परमाणु हथियार इसके पास हैं, और साउथ कोरिया को दक्षिण कोरिया की इसी बात का डर रहता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा टेंशन रहते हैं, उसको डर रहता है कहीं परमाणु हथियार ना प्रयोग कर ले उत्तर कोरिया। इसीलिए साउथ कोरिया सभी विश्व के मंचों पर परमाणु निशस्त्रीकरण का तेज़ी से समर्थन करता है। तो वही नॉर्थ कोरिया ने कहा है ये परमाणु निशस्त्रीकरण का जो रोना रोते हो, इसको रोना बंद करो। तो ये चीज़ चेतावनी उसको दी है जो है साउथ कोरिया को। अब एक न्यूज़ और, पाक एक्सपीएम गिलानी टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। तो जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो COVID-19 से पॉजिटिव पाए गए, ये चीज़ बताई जा रही है। नेपाल पुलिस अरेस्ट 10 इंक्लूडिंग 7 फॉरनर्स ओवर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो नेपाल की जो है पुलिस ने 10 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 विदेशी हैं जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये चीज़ बताई जा रही है इसमें। यानी जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो है वो किया गया है। COVID-19 के अच्छे से ट्रीटमेंट हो, उनकी स्थितियाँ नहीं सुधार पा रहे हैं, यानी COVID-19 से लड़ने में जो है कहीं कहीं गवर्नमेंट थोड़ा लैग कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ। अगली न्यूज है, लोकल ऑफिशियल्स डिसएग्री ओवर पुतिन ऑन होल्डिंग विक्ट्री डे परेड्स। तो जो है विक्ट्री डे परेड क्या है, विक्ट्री डे जो है रशिया जो है 24 जुलाई को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है, क्योंकि देखिए इसी दिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। मतलब ये इसलिए इसको मनाया जाता है विक्ट्री डे के रूप में रशिया में। तो अभी इस वक्त जो है COVID-19 है और रशिया में संक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पुतिन ने डिसाइड किया है कि वो चाह रहे हैं कि विक्ट्री डे परेड हो, लेकिन जो विपक्षी हैं जो लोकल नेता हैं वहाँ के, वो नहीं चाह रहे हैं हो, क्योंकि अगर विक्ट्री डे परेड होगी संक्रमण होने की संभावना और बढ़ जाएगी, ये बात बताई जा रही है। तो जो द्वितीय विश्व की एनिवर्सरी है उसको ना मनाया जाए, ये चीज़ बताई जा रही है उनके द्वारा। तो ये थी इससे संबंधित न्यूज़, हमारी न्यूज़ पेपर डिस्कशन आजिए, और उसके बाद साइंस एंड टेक की जो वीडियो है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, इसकी एक वीडियो अभी आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगी। अब हम चलेंगे आज के संबंधित प्रश्नों पे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, भारत नेपाल सीमा से संबंधित स्थान है लिम्पिया धुरा, काला पानी, लिपु लेक, केवल एक व दो उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्कारी समुदाय के संस्थापक कौन हैं, ज्ञानेश्वर, रामानंद, रविदास या उपयुक्त सभी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पाइप युक्त पानी का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2022, 2024, 2026, 2028। ये थी मैं आज की न्यूज़ पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।